राजस्थान के झालरापाटन में काफी लंबे इंतजार के बाद नामांकन के अंतिम दिन के ठीक पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हुए जमीन से जुड़े कांग्रेस के नेता रामलाल चौहान को अपना उम्मीदवार घोषित किया। चौहान ने 6 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस द्वारा देर रात जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में प्रदेश के हॉट सीट मानी जा रही झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने काफी लंबे समय बाद पिड़ावा क्षेत्र से जमीन से जुड़े किसान नेता रामलाल चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।